प्रश्नावली 11.2 का सवाल नंबर 1 ले रहे हैं और इसका पहला प्रश्न ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा को एल से दर्शाया जाता है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को एल का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। तो इसमें वही नियम आपको बताना है कि इसका नियम कैसे, परिमाप का नियम यानी सूत्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, है ना। ये समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो भी कह रहा है कि इसके परिमाप को, परिमाप का मतलब होता है किसी एक जगह से चले, सपोज यहां से अगर चलते, इसका नाम अगर हम ए बी सी ले लें, तो यहां से चले बी तक, बी से सी, सी से ए पर आकर रुक जाए, यानी ए बी बी सी और सी ए की लंबाई को कोई हम को जोड़ दें तो परिमाप कहलाता है। तो बस उसी का प्रयोग करना है कि इसका भुजा दी गई है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? एल है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? एल है। अब फिर क्या दिया गया है कि इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है इसका, समबाहु त्रिभुज का परिमाप? समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं को जोड़ दो, तो एक एल से दूसरा एल, फिर ये तीसरा, तीनों एल को जोड़ दे, अर्थात यह 3L हो गया, 3L। यही इसका जो है नियम निकल आया, परिमाप का नियम आ गया, 3L। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक समषड्भुज, यानी जिसे रेगुलर हेक्सागन अंग्रेजी में बोलते हैं, कि एक भुजा को एल से व्यक्त किया गया है। एल का प्रयोग करते हुए इस षटभुज के परिमाप को व्यक्त कीजिए। एक समषड्भुज की सभी 6 भुजाएं बराबर, तो सम षटभुज, सम माने बराबर, षट माने 6, भुज माने भुजाएं, तो ये बना हुआ है। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उसमें संकेत में ये भी दिया गया है कि इसके सभी कोण, यानी कि जो भी कोण बनेंगे, ये सब सबके सब अंदर भी बराबर होंगे और इसकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो अब इसका परिमाप निकालना है। तो ठीक है, समषड्भुज की भुजा, समषड्भुज की एक भुजा बराबर एल है। ठीक है, और सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो समषड्भुज का परिमाप समषड्भुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 6। एल 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये देखिए 6 है, तो ये सारे के सारे 6 के 6 जुड़ जाएंगे, तो इसका परिमाप निकल आएगा 6L। इस तरह इसका प्रयोग हुआ। चलिए तीसरा, कक्षा 6 बीजगणित 11.2 का तीसरा सवाल लेते हैं कि घन एक, घन घन समझने के लिए समझिए, जैसे कि हम लोगों ने वर्ग और आयत पढ़ा था, और वर्ग और आयत को जो है 3 डायमेंशन कर, मतलब 3 बीमाई कर दी जाए, तो वो वर्ग जो है घन में बदल जाता है। अभी दिखाते हैं आपको। तो घन एक त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आकृति होती है, इसके 6 फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम आइडेंटिकल वर्ग होते हैं। अब पहले तो इसे पढ़ लेते हैं। घन के एक किनारे की लंबाई एल से दी जाती है। घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ऐसा समझते हैं, जैसे ये डब्बा है, मान लीजिए ये ऐसे देखने में कैसे दिख रहा है, ये एक फलक ये है, एक फलक ये है, एक फलक ये, एक फलक ये, और एक इधर, एक इधर। ठीक है ना, तो ये इसके फलक कहलाते हैं। लेकिन अगर ये जैसे ये कैसा है, ये घनाभ है। अब अगर इसको इतना ही कर दिया जितना ये इधर दिख रहा है ना, उतना ही इसकी ये फेस भी कर दिया जाए, इधर वाले भी फलक कर दिए, ये सब फलक कहलाते हैं। और फलक, और ये इसमें तो कितने फलक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फलक। और ये भी, ये सब, ये अगर ये घनाभ ना होके घन होता तो ये सारे फलक जैसा ये है वैसा ही एक जैसे दिखते। तो वही कह रहे हैं कि
ये सभी सर्वसम होते हैं, ये छह जो छह के छह फलक हैं वो सभी के सभी बराबर दिखेंगे। क्यों, कैसे दिखेंगे? देखिए जैसे ये दिख रहा है, ये समझिए इतना ही बड़ा है, तो हम इसको घन बोलेंगे। और अगर ये इसी रूप में ले ले तो ये कहलाएगा घना। बस घन और घनाभ में यही अंतर है, समझ में आए? तो वो ये कह रहे हैं कि घन के किनारे यानी ये जो लंबाई है, ये सब किनारे किनारे कितने निकलेंगे? देखिए चार इधर निकलेंगे, चार इधर निकलेंगे, और एक दो तीन चार इधर निकलेंगे, चार चार आठ, चार 12 किनारे निकलेंगे, ठीक है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि घन के किनारे की लंबाई को एल से दी जा रही है। एल मतलब एक एक किनारे को एल दे देते हैं, चाहे इसको बोल दे चाहिए, क्योंकि घन के सभी किनारे बराबर हैं। तो घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए सूत्र बनाना है, तो ठीक है जी सूत्र बना देते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसा इसका बना सकते हैं फोटो भी, ये ऐसा मान लेते हैं घन बनाया, ये पहले तो वर्ग बनाया, वर्ग से इतना ही एक अंदर एक और वर्ग बना लो, और इसमें जो है यहां से ऊंचाइयां लगा दो, ये तो ये जो कहलाएगा ये घना, ये घन कहलाया। तो इसकी सभी लंबाइयां यानी कि यहां से यहां ये एल, ये जो इतनी है ये एल है, तो चूंकि घनाभ है तो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? लंबाइयां ही कहलाएंगी, है ना? घन है, घन घनाभ नहीं, घन है। तो ये सब के सब एल, जितने सारे एल हैं वो सारे के सारे एल बराबर होंगे। इसको भी जोड़ लीजिए ये ऐसा, ठीक है? तो अब इसके लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखो जी क्या होता है कि पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, घन है, हल घन की लंबाई, घन की एक भुजा की लंबाई, घन की एक भुजा की लंबाई एल है, ये यहां पर दी जा रही है, ठीक है? अभी कह रहे हैं कि पर इसका जो है टोटल किनारे, किनारे टोटल कितने होंगे? 12 है, एक दो तीन चार इधर, चार इधर, और चार ये ऐसे वाले। तो घन के कुल किनारे यहां पर लिखेंगे, घन के कुल किनारे, घन के कुल किनारों की संख्या, किनारे कितने होंगे? किनारों की संख्या, संख्या कितनी हो जाएगी? 12 किनारे होते हैं, ठीक है जी? ये अभी अभी देख लो, है ना? फिर से एक बार देख लीजिए, चार इधर के, चार इसके इस तरफ के, और चार ये, एक दो तीन चार, कुल 12 हो जाते हैं, ठीक है जी? तो 12 किनारे होंगे। अब सूत्र कैसे निकलेगा? टोटल लंबाई, टोटल लंबाई यानी इन सबकी परिमाप निकाल लो, मतलब चार की इसको जोड़ लो, चार उधर की जोड़ लो, और चार वो किनारे किनारे सारे जो जोड़ लेंगे तो हमारी परिमाप निकल आएगी। तो किनारों की कुल लंबाई के का सूत्र, घन के किनारों की, घन के किनारों की कुल लंबाई का सूत्र, की कुल लंबाई का, अभी यह सूत्र बनेगा कितने हैं? 12 किनारे गुणे जो एल दिया गया है, एल तो कितना बन गया? 12 एल, 12 एल से सारी लंबाई निकाल आएंगे। अब लेते हैं इसी में चौथा, चौथा प्रश्न है, वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है। ये एक वृत्त है और इस पर एक रेखाखंड ये खींचा गया है, ठीक है? ये कहलाता है जो केंद्र से होकर जाता है, इसी को व्यास बोलते हैं, और जिसमें ये दो बिंदु किनारे एक ए और ए बी दो बिंदु हैं और सी उसका केंद्र है, ठीक है? यहां तक हो गया। और उसके केंद्र से होकर जाता है, ये केंद्र से होकर जा रहा है, पाठ्यपुस्तक में दी गई आकृति ए बी, अब ये दिखा रहा है कि जो किताब में ही किताब बनी हुई है, ए बी जो वृत्त का व्यास है और सी उसका केंद्र, ठीक है? वृत्त के व्यास यानी कि ये जो व्यास होता है इसका नाम होता है डायमीटर, अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर माने डी, और उसकी त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं रेडियस, ये यहां से लेके केंद्र से लेके इसके कहीं भी बिंदु डालेंगे जो भी दूरी होगी उसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है? तो यहां से यहां तक इन्होंने पहले से दर्शा रखा है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या, ठीक है? त्रिज्या तो ये भी कहलाएगी, त्रिज्या ये भी कहलाती है, ठीक है? तो
वृत्त के व्यास यानी कि ए बी को उसकी त्रिज्या यानी इस आर के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहले समझ लेते हैं कि वृत्त बना कैसे है। जब ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, एक आर ये भी हो जाएगा। तो अगर ये देख रहे हैं कि ये जो ए बी यानी कि डी टोटल नाम दिया गया वो इस आर और इस आर को जोड़कर बना हुआ है, यानी कि डी में दो आर जुड़े हुए हैं। अब इसी को उसका नियम बना देना है, उसके त्रिज्या के पदों में लिख देना है। तो पहले लिखते हैं कि वृत्त का व्यास हल, क्योंकि यहाँ पे पहले से दे रखा है डी, तो हम भी लिख देंगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर बोलते हैं, डी आई एम ई टी ई आर, ठीक है, इसीलिए इसको डी से दर्शाते हैं, बी बराबर डी, ठीक है, डायमीटर का नाम है, डी से चूंकि सिंबल आता है तो डी लिख देते हैं उसको, यहाँ दिया हुआ है। और त्रिज्या, त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, आर ए टी आई यू एस, रेडियस, इसको आर से दर्शाते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, ये जो पूरी चक्री दिख रही है इसे बोलेंगे वृत्त, जो जिस प्रकार का जो सुई होती है और उसको घुमाते हैं, जहां पर सुई की नोक होती है उसी को केंद्र बोलते हैं। तो उस केंद्र से कहीं भी अगर जहां पे पेंसिल रखेंगे, चाहे यहां रखी, चाहे यहां, चाहे यहां, 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 वो जो दूरी होगी उनके बीच की दूरी उसी त्रिज्या कहेंगे। और अगर इसी त्रिज्या को से गुजरती हुई कोई रेखा खींची जाए जो दो बिंदुओं को छूती हो, जैसे यहां पर ए और बी दिखाया गया है, तो उसे हम व्यास कहते हैं। यानी व्यास वह है जो केंद्र से गुजरता हो, यही सबसे बड़ी जीवा भी होती है। जीवा का मतलब होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के अंदर कोई भी दो बिंदु तो वो जीवा होती है। तो सबसे बड़ी जीवा ही इसमें जो है व्यास कहलाती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इस डी को, यानी कि ये इस ए बी का जो लंबाई है जिसको हम डी बोल रहे हैं जीवा को, इसको इस त्रिज्या के पदों में लिखना है। तो त्रिज्या कितनी है, ये डी कितना है, ए बी बराबर डी है, डायमीटर डी किसके बराबर हो जाएगी, तो एक आर इधर जुड़ा है, एक आर इधर जुड़ा है, तो व्यास वृत्त का व्यास किसके बराबर दिख रहा है, त्रिज्या धन त्रिज्या, दो त्रिज्या, त्रिज्या धन त्रिज्या, यानी कि आर धन आर या दो आर, डी बराबर दो आर, यही तो निकालना था, इसी का तो सूत्र बनाना था। तो ये हमारा व्यास को त्रिज्या के पदों में निकाल लिखने का सूत्र बन गया। अब लेते हैं इसी का पांचवा। तो पांचवा प्रश्न ले रहे हैं कि तीन संख्याओं 14, 17 और 13 के योग पर विचार कीजिए। यानी तीन संख्याएं दी है, एक 14 है, एक 17 है, एक 13 है, योग माने जोड़ना है, इस पर विचार करना, ठीक है। हम यह योग दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, वो खुद ही बता रहे हैं कि दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला कंडीशन दे रहा है कि हम पहले 14 और 27 तो 14 और 27 को जोड़कर 41 प्राप्त करिए, इन दोनों को जोड़ के 41 बना ले, और फिर उसमें जो 13 है, 41 में जो आया उसमें 13 जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पहले इन दोनों को जोड़ लिया, जो आया उसमें इसको जोड़ दिया, ये पहली कंडीशन कह रहे हैं। या फिर दूसरा कंडीशन कह रहे हैं, पहले हम 27 और 13 यानी इन दोनों को जोड़ लें, 27 और 13 को जोड़कर 40 बना ले, फिर इसमें ये किनारे वाला यानी 14 को जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त करते हैं। यानी कि दो जोड़ के इसको जोड़ लो, या फिर इन दोनों को जोड़ के इसको जोड़ के हम कुल 54 प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने करके भी दिखाया कि 14 और 27 यानी इन दोनों को जोड़ के ब्रैकेट में रख लिया, फिर बाद में 13 जोड़ा। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इस 14 को बाहर रख लिया, 27 और 13 को जोड़ दिया, और दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। फिर आगे कह रहे हैं, ऐसा किन्हीं भी तीन संख्याओं के लिए किया जा सकता है, यह गुण संख्याओं के योग का साहचर्य अर्थात एसोसिएटिव गुण कहलाता है। ये एक तरह से परिभाषा भी समझाते जा रहे हैं, ये जो गुण बन रहा है यानी ये जो नियम काम कर रहा है उस नियम का नाम है साहचर्य या एसोसिएटिव गुण, ठीक है जी। ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये एक नियम लग रखा है,
उस नियम का नाम है साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस गुण को जिसे हम पूर्ण संख्याओं के अध्याय में पढ़ चुके हैं, अभी हमको ये बताया कि पीछे पीछे आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा, मतलब पिछले प्रश्नावलियों में। अब आगे कंडीशन दे रहे हैं कि ए बी सी चर का प्रयोग करते हैं, यानी चर ए बी सी तीनों अलग अलग प्रकार के चर हैं, तीन चर या तीनों अलग अलग हैं, का प्रयोग करते हुए एक व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसी का एक साहचर्य गुण का एक नियम बनाओ, वो ये कह रहे हैं। तो देखिए कंडीशन पहले दिया है चर ए बी सी लेना है, तो दिल्ली पर हम बना लेते हैं चर, तीन चर ए बी सी है, तीन चर ए बी व सी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, इसी नियम का जो इधर नियम लगाया है साहचर्य गुण का नियम लगाओ, तो तीन चर ए बी सी है, अब साहचर्य गुण साहचर्य गुण, यानी साहचर्य को अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटिव, ए डबल एस ओ सी आई ए टी आई, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, साहचर्य गुण के अनुसार, साहचर्य गुण के अनुसार, साहचर्य गुण के अनुसार अब क्या बनेगा, यानी कि पहले दो जोड़ लो, यानी ऐसे किया ना, इसको बाहर रखो, तो ए धन बी को हमने जोड़ लिया एक तरह, और क्या कर रहे हैं ये सी को बाहर रख दिया। यही कंडीशन अगर हम दोबारा करें उस तरफ, यानी किनारे वालों को बी और ए को बाहर रख लो और बी और सी को जोड़ दो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये साहचर्य नियम बन जाता है। तो यही तो साहचर्य नियम कहलाता है, यही तो प्राप्त करना था, यही तो आंसर है। यानी इन्होंने जो समझाया है उसको आप जो है सूत्र के रूप में बना दीजिए, यही साहचर्य नियम था। तो इस तरह ही 11.2 पूरी होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में 11.3 के साथ।